जय श्री जय श्री आदिनाथ भगवान के चरणों में हम सभी का सादर नमन सादर नमन। पंच परमेष्ठी भगवंतों के चरणों में उन सभी का सादर नमन सादर नमन। अखंड ब्रह्मांड की शक्तियों ऊर्जाओं के चरणों हम सभी का सादर नमन सादर। मेरे माता पिता और मेरे सब मेरा शत शत नमन शत शत नमन। उन सभी का आभार उन सभी का धन्यवाद जिन्होंने कभी भी कहीं भी किसी भी रूप में किसी भी जन्म में किसी भी प्रकार का हमें ज्ञान दिया है ध्यान दिया और हमने अपना जीवन धर्म लाभ की ओर मोड़ लिया है मोक्ष मार्ग की ओर प्रशस्त कर लिया। ऐसा ज्ञान देने वाले सभी व्यक्ति को हम कोटि 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 पंच पंचमी बंधु अरिहंत सिद्ध सोरी उपाध्याय साधु सर अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उठे कारी तिन को स्वरूप जान राखते भई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को जारी है। धन्य धन्य तुम्हीं से काज सब आजे भये कर जोड़ी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसे हम चाहते हैं ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दुखारी ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दुखारी। जय श्री जय जी। कहानियां ही कर लें अभी थोड़ा थोड़ा टाइम तक स्टोरीज कर लें क्योंकि मेंबर्स भी नहीं आए हैं। ठीक है आपकी आवाज नहीं आ रही। हम ये कह रहे हैं जो आज व्हाट्सएप पे भेजा था वो क्या भेजा था, सम्यक दर्शन के बारे में भेजा मैंने था। हाँ इसी पर ग्रुप पे डाला था, वो पढ़ो अच्छा था। वो छोटा सा मैटर है, ज्यादा बड़ा नहीं। हाँ धर्म करने से दुख होता है ना दुख हाँ दूर होता है ना। हाँ छोटा सा है पढ़ लेते हैं। धर्म करने से दुख दूर होता है ना एक प्रश्न है तो उसकी जिज्ञासा का समाधान है। धर्म करने से दुख दूर नहीं होता है पाप दूर होने से दुख दूर होता है। धर्म करने से पाप का नाश होता है उसकी ना नहीं है पर धर्म करने के बाद भी भूतकाल के पाप बाकी हो तो दुख तो आएगा ना। तो फिर धर्म कब तक करना है जब तक हमारे घाती कर्मों का नाश नहीं होता तब तक हमें धर्म करना है। घाती कर्म पाप है इस पाप का नाश करने के लिए धर्म करना है। धर्म से जब पाप का नाश होगा तभी संसार का अंत होगा। संसार का अंत होगा तो दुख आएगा ही नहीं। दुख से मुक्ति का उपाय नहीं सोचना है पर पाप को दूर करने का उपाय सोचना है। पाप से मुक्त होने का एक ही उपाय है प्रभु की आज्ञा अनुसार धर्म का पालन करना। दुख दुख दूर जब होगा, जब पाप नहीं करेंगे तो कर्म पाप क्या कहलाता है? पाप कषाय पाप मतलब राग द्वेष राग देश तो वो हो गए, क्या नाम से, राग देश तो विभाव प्रणाम है ना। हाँ तो अपन पाप नहीं करना, ये कहा उनने कि पाप नहीं करोगे तो दुख दूर नहीं होगा, और पाप नहीं करोगे तो दुख दूर हो जाएगा। हाँ तो एक तो सवाल ये है कि पाप
पाप और दुख दो चीजें हैं। हाँ तो जो अपन अज्ञानी जीव पाप करता है और दुख भोगता है, तो पाप क्या चीज है ये समझना है। पाप और धर्म, पाप धर्म और दुख तीन शब्द आए इसमें। हाँ पाप क्या चीज है? पाप पाप तो जाता है, पाप पाप पाप, हाँ पाप का भावार्थ नहीं जानते। तो पाप है क्या? जिनेंद्र भगवान ने पाप को पाप क्या कहा है कि पर वस्तु को अपना मानना, ये वस्तु पाप है। ये बात है। हाँ क्या कहा? वस्तु को अपना मानना सुरेखा सुरेखा जी आप अपने आप को म्यूट रखिए ना प्लीज, आवाज अलग से आ जाए। हाँ क्या कहा? पाप की, पाप का भावार्थ क्या निकला? धर्म पर वस्तुओं को अपना मानना, उसमें अपनत्व की बुद्धि रखना, क्या हो गया? अब धर्म का समझो, धर्म अपना स्वभाव को देखना जानना, वो धर्म तो है, पर वस्तु को अपना नहीं मानना सुधर्म है, सुधर। अपना मानना जो पाप है और हाँ अपना नहीं मानना सुधर्म। दो बातें बताएं, क्या बताएं? इसे दोहराओ। पर वस्तुओं को अपना मानना तो पाप कहलाता है, और पर वस्तुओं को अपना नहीं मानना धर्म। पर वस्तु को जो अपना मानता है, पराई चीज को अपना मानेगा तो दुख क्या होगा? दुख होगा, होगा बिल्कुल। होगा कि नहीं? दुख कैसा दुख होगा? पराई वस्तु हमने अपनी मानी, कोई भी वस्तु को, ये हमारी है, दूसरे की चीज को अपने मानेगा क्या होगा? दंड मिलेगा। अभी वर्तमान में कोई करे पर वस्तु को अपना माने तो क्या मिलेगा? दंड मिलेगा, पुलिस वाले पकड़ ले जाएंगे और पिटाई लगाएंगे, जेल में हाँ डाल देंगे। ये दुख मिलेंगे कि नहीं? ताड़ना, चीला, मारना, काटना, ये दुख है, मिले काय के कारण? पर वस्तु को अपने मानने से। और पर वस्तु नहीं मानी अपनी, ना कोई मारेगा ना पीटेगा ना जेल में डाले, ठीक है ना? तो ये तो अपने वर्तमान का हो गया। और कर्म के अनुसार कर्म बंद होगा, चार गतियों में, चार गति की जेल होगी। हाँ तिरेंचे में गए तो तिरेंस के दुख देख रही हूँ आप, काटना, चीलना, भूख, प्यास, सब। नरक में गए तो नरक के दुख बता दिए, स्वर्ग में गए तो मानसिक दुख है, मनुष्य में है तो देखते हैं दुखों का, अमीर है तो, और कृष्णा नागिन देव जो डंके लहर जहर किया उसको तृष्णा होती है, पैसा वाला गरीब है गरीबी का उससे दुखी है, तो कोई सुखी नहीं दिखता। तो दुख। ये सब कारण है पर जिसको अपना मान, जो अपना पर वस्तु को अपना नहीं मानता, अपनी वस्तु को अपना मानता है, तो उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। ये करना ना, यही यही हमारे पंच परमेष्टियों ने किया, सुखी हो गए, आनंदमय हो गए, और सिद्धालय चले गए तो आनंदमय है। तो ये चीज करना है तो इस चीज को फॉलो करना पड़ेगा। तो आखिरी में क्या कहा? आखिरी में पढ़ो। दुख से मुक्ति का उपाय नहीं सोचना है, पर पाप को दूर करने का उपाय सोचना है। पाप से मुक्त होने का एक ही उपाय है, प्रभु की आज्ञा अनुसार धर्म का पालन करना। प्रभु की आज्ञा यही है, पर वस्तु को अपनी नहीं मानो। हमने अपनी पर वस्तु को नहीं माना सो हम सुखी हो गए, और तुम नहीं मानो तो तुम सुखी हो जाओ। बस यही रास्ता है। अब इस रास्ते पे चलने के लिए समझना है और फॉलो करना है। बिल्कुल
स्वाध्याय में इस वस्तु को समझ के फॉलो करते जाना है। जितना जितना फॉलो करते जाओगे उतना तो दुख मिटता जाए, ठीक है कि नहीं? यही हुआ। और ये जो आपने कही स्टोरी सुना, तो स्टोरियों में जिनकी स्टोरी ऐसी तो है, जिनने पाप करते करते पर वस्तु को मानते मानते दुख भोगे और पर वस्तु उसको अपना मानना छोड़ दिया, सुखी हो गए, पंच परमिष्टि में शामिल हो गए। पंच परमिष्टि में हम भी तो हो सकते हैं ना शामिल, उस रूप चलना पड़ेगा तब होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। जैसे कलेक्टर बनना है तो उस रूप आपको आचरण करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, परीक्षा देना पड़ेगा, उस ऐसे योग्य बनना पड़ेगा तभी बनेंगे। वो योग्यता है तो सब में, पर पुरुषार्थ करना होगा वैसा, बिल्कुल यही है ना। सही। चलो अब इसमें नहीं कोई हो तो प्रश्न करो, पूछो। बहुत बढ़िया, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा था ये मैटर और समझ भी आ गया, लेकिन आपने हाँ इसे बहुत और अच्छे से समझा दिया कि पाप का मतलब क्या। जैसे पाप जहाँ आया तो हिंसा झूठ चोरी खुशी परिग्रह। और पर वस्तु को अपना मानना सो कर्म धारा, और हाँ पर वस्तु को अपना नहीं मानना सो ज्ञान धारा। भाई बात ये शब्दों के खेल हैं बस, बात उतनी है। बात सही तो है छोटी सी, पर में। छोटी सी बात को अनेक तरीके से समझाया गया कि ये जीव समझ जाए, क्योंकि उलझा हुआ है ना जीव, कई उलझने हैं। अब वो उलझनों से सुलझना थोड़ा सा कठिन लगता है, तो सुलझने के लिए नाना तरीके बताते हैं। ये देखो, भूख तो मिटना है भोजन करने से, चाहे आप दाल रोटी खाओ, चाहे व्यंजन खाओ, चाहे कुछ भी खाओ। अब क्या है कि रागी जीव है तो दाल रोटी नहीं भाती, तो कई तरीके के बनाता, उन्हीं उन्हीं आइटमों से बनाता ना नाना व्यंजन। एक आइटम से कितने बन जाते, 1000 आइटम, उसी को तरीके तरीके से बना बना के खाता रहता है और अपनी भूख मिटाता रहता है। ऐसे ये स्वाध्याय से अनेक तरीके से आचार्यों ने समझाया हमें कि भाई पर वस्तु को अपना नहीं मान, बस जैसे तैसे पर वस्तु तेरी नहीं है और तू अपना मानता है, इसलिए दुखी हो। बस यही इसमें मेरे पास थोड़ा सा मैटर था, ज्ञान धारा कर्म धारा का। आगम में ऐसी ज्ञान धारा और कर्म धारा के लिए स्पष्ट शब्द नहीं मिलता है। ज्ञान धारा यानी जहाँ केवल जानना हो, कर्म धारा यानी जहाँ जानने के साथ अटकना हो। किसी भी दृश्य को जब हम दृष्टा बनकर देखते हैं तो उसके साथ हमारा इष्ट अनिष्ट संकल्प विकल्प नहीं जुड़ता। ये ज्ञान धारा के अंदर हम केवल उसके दृष्टा हैं, देख रहे हैं। ये ज्ञान धारा है जहाँ केवल देखना और जानना मात्र बना रहता है, लेकिन जब जानने देखने के साथ उसमें हम इष्ट अनिष्ट संकल्प विकल्प करते हैं तो वो कर्म धारा का रूप धारण कर लेते हैं। अब यहाँ शब्द दो डाले हमने, संकल्प और विकल्प। संकल्प और विकल्प को क्या कहा, कौन सी धारा? कर्मधार अब संकल्प और विकल्प क्या कहलाते हैं? संकल्प, पहले संकल्प किया कि हमें कपड़े की दुकान खोलना, क्या हो गया इसका नाम क्या? संकल्प इच्छा। अभी संकल्प किया हमें कपड़े की दुकान खोल, तब संकल्प, तो अब विकल्प कैसे होंगे? ऐसा दुकान लो, वैसे फर्नीचर बनवाओ, फिर हजार दिल्ली जाओ, बम्बई जाओ, कपड़े लेके आओ, कितने विकल्प होंगे? 1000। हजार तो एक संकल्प किया तो उसके 1000 विकल्प तैयार हैं, ठीक है कि नहीं? तो ऐसे ही पर वस्तु को अपना माना, 1000 विकल्प तैयार हुए उसका ना, पर को अपना मानना सो संकल्प और उसके बारे में विचार करना सो विकल्प, ठीक है? उनका नाम संकल्प विकल्प हो गए। बिल्कुल। उस कर्म धारा से राग द्वेष के निमित्त से नए कर्म का बंध होता है। ज्ञान धारा में केवल निर्जरा है और कर्म धारा में बंध है।
ज्ञान धारा में निराकुलता है और कर्म धारा में आकुलता है। जहां आकुलता है वहां संसार है, और जहां निराकुलता है वहां मोक्ष। आप देखो, उस हाँ आकुलता और निराकुलता, हुँ. आकुलता क्या है? आकुलता का क्या नाम? कर्मधारा। धारा और क्या नाम? आकुलता माने दुख, दुख आकुलता माने दुख, और का मतलब निराकुलता माने सुख। सुख। आप म्यूट हो गए ऋषभ जी, आप म्यूट हो गए। आप उस निराकुल परिणति को प्राप्त करना चाहते हैं तो ज्ञान धारा में हाँ क्या बता रहे थे? हाँ, आकुलता मतलब दुख निराकुलता माने जो सुख। सुख होता है सिद्ध भगवान को, निराकुल सुख कहलाता है। निराकुलता नहीं कहते, निराकुल। और आकुलता माने दुख। संकल्प और विकल्प में है आकुलता, और संकल्प विकल्प निराकुलता सुख। ठीक है, ये तीन नाम हो गए और निकलेंगे भी तो निकलते आते हैं, याद रखें ना। मतलब जो चीज बता रहे उसको याद रखें। सही है। हम आप उस निराकुल परिणति को प्राप्त करना चाहते हैं तो ज्ञान धारा में ऐसा अभ्यास कीजिए कि सही में तटस्थ रह सके। तटस्थ भाव का क्या क्या कहलाता है? जैसे नदी के दो तट होते हैं और धारा भी होती है, धारा आती है और बह जाती है, पर दोनों तट जहां के तहां बने रहते हैं। बस जीवन में कर्म का कैसा भी प्रभाव क्यों ना हो, उससे प्रभावित ना होना ये ज्ञान धारा है, और कर्म की धारा में बह जाना, उससे प्रभावित हो जाना, ये कर्म धारा है, ऐसा समझना चाहिए। भाई, कर्म धारा माने धार में बह जाना, और तट माने किनारे पर लग जाना, सो बहना नहीं होगा, किनारे पर आ जाना। तो किनारा ऐसा है कि किनारे पर आने से आप धारा में नहीं बहेंगे, धारा में बहते हैं तो वो कोशिश क्या करते हैं, किनारा आ जाए, किनारे पर कुछ भी पकड़ लो थोड़ा सा, तो फिर आपको बहा के नहीं ले जाए। ज्ञान धारा जो एक ऐसी धारा है, वो किनारा है, तट कहा है, वो हिलते नहीं है, और जो हिलता है वो कर्म धारा है। जो हिलती है माने हिलती माने चलती है, तो वो कर्म धारा माने धारा है। उसमें उसमें जो फंसा वह कि चला जाएगा चार गति में। धारा कहाँ जाती है? चार गति में, तो किनारा किनारा नहीं जाती, किनारे तो ये स्थिर है। जो किनारे पर आ गया वो नहीं बहेगा, ज्ञान धारा है। और ज्ञान धारा उसी का नाम क्या है? ज्ञान धारा का नाम निराकुल। निराकुलता और सुख और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान धारा सम्यक दर्शन। जो दर्शन। सम्यक दर्शन के गीत बहुत गाए हैं भगवान, सम्यक दर्शन। और जो कर्म धारा है मिथ्या दर्शन है, दुख है, आकुलता है। हो गया, चलो चलो। और चलो बस एक स्टोरी पढ़ लेते हैं। स्टूडेंट आज हम पढ़ते हैं सुकोशल मुनि की कथा।
वैसे तो सबको पता ही है, लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं एक बार। सुकोशल मुनि की कथा। राजा की इधर का मन संसार भोगों से विरक्त था। वे धर्मात्मा राजपाट के बीच में संसार भूतों की असहायता का विचार करते हुए मुनि दशा की भावना भाते थे। एक दिन दोपहर के समय आकाश में सूर्य ग्रहण देखकर उनका मन उदास हो गया। वे संसार की अनित्यता का विचार करने लग गए। अरे, जब यह सूर्य भी राहु के द्वारा ढक जाता है, तब इस संसार के क्षण भंगुर भोगों की क्या बात है? वे तो एक क्षण में विनष्ट हो जाएंगे। इसलिए उनका मोह छोड़कर वे आत्महित करने के लिए चिन्ह दीक्षा धारण करने चले गए। राजा कीर्तिधर ने अपने वैराग्य का समाचार अपने मंत्रियों को कहा। मंत्रियों ने कहा, महाराज, आपके बिना अयोध्या नगरी का राज्य कौन संभालेगा? अभी आप जवान हैं, फिर भी जैसे आपके पिता ने आपको राज्यभार सौंप कर जिन दीक्षा ली थी, वैसे ही आप भी अपने पुत्र को राज्य सौंप कर दीक्षा ले लेना। इस प्रकार मंत्रियों ने विनती की। इससे राजा ने ऐसी प्रतिज्ञा ली कि पुत्र के जन्म का समाचार सुनते ही उस दिन ही उनका राज्याभिषेक करके मैं मुनिव्रत धारण करूंगा। थोड़े समय बाद कीर्तिधर राजा की रानी सहदेवी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उनका नाम सुकोशल रखा गया। सुनते ही राजा दीक्षा ले लेंगे, इस भय से रानी सहदेवी ने यह बात गुप्त रखी। कुछ दिन तो यह बात राजा ने से गुप्त रही, किंतु सूर्य उदय कब तक छिपा रह सकता है? उनके पुत्र जन्म की खुशखबरी नगर पूरी अयोध्या नगरी में फैल गई। जब नगरवासी राजा को बधाई देने लगे, तब राजा ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने आभूषण भेंट किए और अपने वैराग्य का विचार प्रकट कर कहा, बस अब मैं राजपुत्र को राज्य सौंपकर इस संसार बंधन से छूटूंगा। तदनुसार राजा कीर्तिधर ने 15 दिन की आयु के राजकुमार सुकोशल, जो अभी तक माता की गोद में थे, उनका राज्य तिलक करके स्वयं ने दीक्षा धारण कर ली और आत्म साधना में तत्पर होकर वन में विचरने लगे। कीर्तिधर राजा मुनि हो गए, जिससे उनकी रानी सहदेवी को बहुत आघात हुआ। वह सोचने लगी कि वहीं इसी प्रकार मेरा पुत्र भी दीक्षा लेकर ना चला जाए। तभी किसी भविष्यवेत्ता ने घोषणा की कि जिस दिन यह राजकुमार अपने पिता की मुनि अवस्था को देखेगा, उसी समय ये दीक्षा ले लेगा। कोई मुनि राजकुमार की नजर में ना आ जाए, इसलिए रानी ने ऐसा आदेश निकाल दिया कि किसी निर्ग्रंथ मुनि को राजमहल के पास नहीं आने दिया जाए। अरे रे पुत्र मुंह से उनको मुनियों के प्रति द्वेष हो गया। राजकुमार सुकोशल वैराग्यवंत धर्मात्मा थे। राज वैभव के सुखों में उनका मन नहीं रमता था। वे आत्मस्वरूप की भावना में लीन रहते थे। युवा होते ही माता ने उनका विवाह कर दिया। एक दिन सुकोशल मुनि महाराज सुकोशल राजमहल की छत पर बैठकर अयोध्या नगरी की सुंदरता देख रहे थे। उनकी माता सहदेवी और धाई माता भी वहीं थी। उसी समय एकाएक नगरी के बाहर नजर पड़ते ही राजकुमार को कोई महातेजस्वी मुनिराज नगरी की ओर आते दिखाई दिए। लेकिन राज्य के सिपाहियों ने उन्हें दरवाजे के बाहर ही रोक दिया। वह समझ नहीं पाया कि ये महापुरुष कौन है और पहरेदार उन्हें क्यों रोक रहे हैं। दूसरी ओर सहदेवी ने भी उन मुनिराज को देखा। वे कोई दूसरे नहीं, महाराज कीर्तिधर ही थे, जिन्होंने 15 दिन के सुकोशल को छोड़कर दीक्षा ले ली थी। उनको देखते ही रानी को डर लगा कि अरे, उनके वैराग्य उपदेश से मेरा पुत्र भी कहीं संसार ना छोड़कर चला जाए। इसलिए रानी सहदेवी ने सेवकों को आज्ञा दी, यहाँ कोई गंदगी युक्त अनजान नगर नग्न पुरुष नगरी में ना आए। वे हमारे पुत्र सुकोशल को भ्रमित करके ले जाएंगे।
इस प्रकार नगरी में कोई नग्न साधु न आए इसका ध्यान दिया गया। मेरे पति कीर्तिधर 15 दिन के छोटे बालक को छोड़कर चले गए थे, तब उन्हें भी दया नहीं आई थी। इस प्रकार सहदेवी ने साधु बने अपने प्रति पति के प्रति ऐसे अनादरपूर्ण वचनों को कई बार तिरस्कार पूर्वक कहा। अरे रे, ये दुष्ट रानी साधु अपने बने अपने स्वामी का अपमान करते हैं। यह देखकर धाय माता की आंख से आंसू गिरने लगते। राजा सुकोशल का कोमल हृदय यह दृश्य देख नहीं सका। उसने तुरंत धाय माँ से पूछा कि ये महान पुरुष कौन है, नगरी में क्यों नहीं आ रहे हैं और आप इन्हें देखकर क्यों रो रही हैं? राजकुमार का प्रश्न को सुनते ही धाय माता का हृदय एकदम से भर आया। रोते रोते उन्होंने कहा, बेटा, ये महापुरुष और कोई नहीं, तुम्हारे पिताजी हैं। वे इस अयोध्या नगरी के महाराज कीर्तिधर स्वयं हैं और साधु हो गए हैं, जो कभी स्वयं इस राज्य के स्वामी थे, आज उन्हें उनके ही सेवक उनके राज्य में अनादर कर रहे हैं। इस अयोध्या नगरी के राजमहल हुए महाराज का अनादर राजमाता द्वारा ही हो रहा है। तब राजकुमार द्वारा पूछा गया, ऐसा क्यों हुआ? तब धाई माता ने कहा, तू छोटा सा बालक था, तभी वैराग्य धारण करके तेरे पिता जैन साधु हो गए थे। वे साधु महात्मा ही इस नगरी में पधारे हैं। ये परंपरा असंख्यात पीढ़ियों से अपने वंश में चली आ रही है। तुम्हारे पिता ने तुम्हें राज्य सौंप दिया, जिन दीक्षा धारण कर ली। धाय माता के ये सब वचन सुनकर सुकौशल बहुत आश्चर्यचकित हुआ। अरे, ये मेरे पिताजी ये भिखारी नहीं है, कोई संत महापुरुष है। महाभाग्य से आज मुझे इनके दर्शन हुए हैं। ऐसा कहते हुए राजकुमार सिर का मुकुट और पैर में जूते पहने बिना ही नंगे से नंगे पैर नगर के बाहर मुनिराज की ओर दौड़े। ये वाली जो मीटिंग है ना, 1 मिनट में फिनिश हो जाएगी, तो अगर हमारी स्टोरी पूरी नहीं होगी तो वापस इसी लिंक से ज्वाइन कर लेंगे। आज कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो ठीक है। और उनके पास से धन की विरासत लेने के लिए दौड़े, जैसे कि संसार के बंधन तोड़कर मुक्ति की ओर दौड़ रहे हैं। इस प्रकार वे मुनिराज के पास पहुंचे और उनके चरणों में नमन किया। आंखों में से अश्रु धारा बहने लगी। मुनिवर, क्षमा करो, प्रभु में आपको पहचाना नहीं। मैं अब इस संसार बंधन से मुक्त होना चाहता हूँ। श्री कीर्तिधर मुनिराज बोले, हे वत्स, इस संसार के सब संयोग क्षण भंगुर हैं, उनके भरोसे क्या रहना। यह सारभूत आत्म तत्व ही आनंद से भरपूर है, उसकी साधना के बिना अन्य कोई शरण नहीं है। इस प्रकार के उपदेश सुनकर राजा सुकोशल का मन विरक्त हो गया और शांत चित्त से विनय पूर्वक हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, प्रभु, मुझे भी जिन दीक्षा देकर अपने जैसा बना लीजिए। मैं तो मोह निद्रा में सो रहा था, आपने मुझे जगाया है। आप जिस मोक्ष साम्राज्य की साधना कर रहे हैं, मुझे भी वैसा ही साम्राज्य चाहिए। तुम्हारे वंश में ऐसा रिवाज है कि पुत्र बड़ा होने पर उसे राज्य सौंपकर राजा दीक्षा लेता है, इसलिए आप भी रानी विचित्र माला के बालक को बड़ा होने दें, तब उसे राज्य सौंपकर फिर दीक्षा लें। राजकुमार ने कहा, जब वैराग्य जागा तब उसे संसार से कोई बंधन नहीं रोक सकता है, फिर भी देवी भी